ऊर्जा की बात चली रही है तो सुजलॉन को भी एक बार लाना जरूरी है, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन को भी देखना जरूरी है। बहुत बढ़िया अप मूव हमने दोनों में देख इन दोनों पॉकेट्स में देखा। शिवांगी, 40 रुपये पे सुजलॉन मुनाफा वसूल करने वाला कैंडिडेट बन गया है या अभी भी ले सकते हैं? ये जो व्यू है प्योरली टेक्निकल रहेगा, बट जी स्टॉक जो है इसने एक अच्छा रैली देखने को मिला है, एक अच्छा रिकवरी जो है स्टॉक ने दिखाया है 33 के आसपास से। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं हम, नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड अबाउट 42-43 के लेवल। ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स हैं, अपार हो गया, TRIL हो गया, काफ़ी अच्छा बाइंग इसके अंदर दिखाई दे रहा है। आज भी TRIL 5.5% ऊपर। आपको इसमें कोई स्टॉक पसंद आ रहा है? एक कारण इस क्षेत्र को पसंद करने का ये भी है अजय, क्योंकि मैंने ऊर्जा क्षेत्र की बात की, ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेशन, और इस ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में मैं दो और एंसिलरी काउंटर डिपेंडेंट क्षेत्र है, वो है ऊर्जा वितरीकरण, दैट इज पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ऊर्जा उपकरण यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, पावर ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह। तो एक तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पावर ग्रिड पसंद आता है, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो अजय शायद आपके पास डेटा होगा, पिछले साल 2023 में 3 डिविडेंड दिए इस कंपनी ने, पावर ग्रिड ने, कि मिलाकर के करीबन 14 या 15 रुपए के आसपास, जी और बोनस भी दिया था, और ये सब होने के बावजूद आज सर्वोच्च ऊंचाई के आसपास खड़ा है, 240 के पार, और बहुत बड़ी इनकी नेटवर्किंग है, ग्रिड नेटवर्किंग, इंटर रीजनल एंड इंटर स्टेट उपलब्ध कराती हैं ये, और जिस प्रकार से आने वाले 3 या 5 सालों में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी सूर्य से और वायु से और हाइड्रो कन्वेंशनल जिसे हम कहते हैं, तो जाहिर है आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये पसंद आती है ट्रांसफॉर्मर्स एंड पावर इक्विपमेंट में। जो एक मेरी आपने जो कंपनियों का नाम लिया वो तो सक्षम है ही, लेकिन कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में खरीदारी की टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक और कंपनी है जो कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है, मझौली कंपनी है, केईसी इंटरनेशनल, मेरे ख्याल से 650 के आसपास भाव होगा, पिछली बारी जब मेरी नजर पड़ी थी मुझे ठीक से याद नहीं है, 600 के पार, तो 610 के आसपास ये है। ये कंपनी रेलवे में भी काम करती है, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करती है, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी बनाती है, और अब मुझे लग रहा है कि ये सब कंपनियों पर आपको ध्यान देना चाहिए, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी होती का। ठीक, श्योर।